डोडा जिला में आज निकाय चुनाव के दूसरे चरण के चलते डीडीसी सिमरनदीप सिंह व एसएसपी शबीर अहमद मलिक ने पैदल मार्च करके डोडा शहर के सभी मतदान केंद्रों की जांच की। इसी दौरान पुलिस द्वारा डोडा में एक संयुक्त मार्ग मार्च और लॉन्ग रेंज गश्त भी की गई, जिसका मकसद लोगों को बताना था कि सुरक्षाकर्मी उनकी सुरक्षा के लिए सतर्क हैं। डीडीसी सिमरनदीप सिंह ने लोगों से अपनी प्रतिनिधियों को मूल्यवान वोट देकर क्षेत्रों को विकसित करने की अपील की। डोडा हेडक्वार्टर एडिशनल एसपी श्री विनय कुमार कुल्लर, डिप्टी एसपी श्री इफ्तकार अहमद और डिप्टी एसपी श्री मंसूर एयास के साथ अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। वहीं दूसरी ओर विभिन्न पोलिंग बूथ पर मतदाताओं का तांता लगा हुआ है, जहां भारी संख्या में महिलाओं, युवाओं, पुरुषों व बुजुर्गों ने अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देकर अपने मत का उपयोग किया। एक मतदाता ने चुनाव को लेकर उत्साह दिखाते हुए कहा कि वह चाहते हैं कि उनके वार्ड से एक काबिल उम्मीदवार सामने आए और उनकी कई समस्याओं का समाधान करे। सर, हमें बहुत खुशी हुई वोट डाल के। हम चाहते हैं कि हमारे वार्ड से कोई अच्छा सा मेंबर निकले जो हमारे काम करे और लोगों के भी काम करे। जैसे कि हमारे रोड ठीक नहीं है यहाँ के, हर किसी के काम आए। और हम ये भी अपील करते हैं लोगों से, जिन्होंने अभी तक वोट नहीं डाला वो भी अपने घरों से आए और वोट डाले और अपने नुमाइंदे को चुने, जो उनके काम आए उस नुमाइंदे को चुने। चलना है अगर वक्त से आगे, बदलना है अगर नजरिया, तो चलते रहिए बस वक्त के साथ। हम दिखाते हैं सबसे पहले, बेशक हो छोटी खबर या बड़ी, वक्त इंडिया, यही वक्त है।